हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर 2021 से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स की। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चुनिंदा 90 दिवस व उनके थीम को देखने वाले हैं और ये वीडियो जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक अपडेटेड है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां करंट अफेयर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको किसी और दूसरे वीडियो या फिर किसी बुक को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तक सितंबर तक मैंने जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ क्वेश्चन बन सकते थे इस वीडियो में लिए है। लगभग आज हम यहाँ पर 90 दिवस व उनके थीम को देखेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यहाँ मैंने दोनों ही भाषा में लिख रखा है बच्चों के लिए, जिसने उन्हें समझने में प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं जनवरी महीने से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स को। तो पहले हम बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस की। किसकी? प्रवासी भारतीय दिवस की। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसका 2021 का थीम्स रहा है भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। इंग्लिश में कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, द्विवार्षिक रूप से इसको मनाया जाता है 9 जनवरी को, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए। अगला देखते हैं, अगला है आपके सामने इम्पोर्टेंट रहता है राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे। कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और इस साल इसका थीम रहा चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है, चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। देखिए, हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। ठीक है, यानी कि नेशनल वोटर्स डे। कब मनाया जाता है इसको भारत में? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। और इस साल इसका थीम रहा है आपका मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इनफॉर्म्ड। ठीक है, और हिंदी में है मतदाताओं को सशक्त सतर्क सुरक्षित और जानकार बनाना। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों के लिखकर रखे हैं यहां पर। ठीक है, चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इसे कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को। तो इसका थीम रहा कस्टम्स बुल स्टेरिंग रिकवरी रिन्यूएबल एंड रेसिलेंस। ठीक है, अब देखिए, यह दिन कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों को की भूमिका को पहचान देने के लिए मनाया जाता है। क्या कहते हैं इसको? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। कब? 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस की बात करेंगे। देखिए इसको दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस भी कहते हैं और एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जाता है कि होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो उसको मनाया जाता है 27 जनवरी को मनाया जाता है और इसका इस बार का थीम रहा है आपका, थीम है आपका फेसिंग द आफ्टर मैथ रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकॉस्ट। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ के लिए 2006 से प्रति वर्ष 27 जनवरी को होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों विश्व कुष्ठ रोग दिवस की। इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। अब ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं भाई कि इसको 30 जनवरी को मनाएं या फिर 31 को या फिर 29 को। तो ध्यान रखिएगा, जनवरी के अंतिम रविवार को इसको मनाया जाता है और 2021 में से मनाया गया 31 जनवरी को और इसका थीम रहा बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेल बीइंग। देखिए, दुनिया भर में हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ रोग के रूप में मनाया जाता है। विश्व बैट लैंड्स डे यानी कि वर्ल्ड बैट लैंड्स डे।
कब मनाया जाता है इसको? तो दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका 2021 का थीम रहा है बेट लैंड्स एंड वाटर। आप ध्यान से सुनिए, हर साल 2 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व बेट लैंड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को पृथ्वी के लिए आर्द्र भूमि यानी कि बेट लैंड्स द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस, देखिए विश्व कैंसर दिवस इसको जागरूकता बनाने के लिए कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को। अब याद रखिएगा दोस्तों, 2019 से लेकर 2021 तक यानी कि 3 वर्ष के लिए विश्व कैंसर दिवस का थीम है आई एम एंड आई विल। क्या है? आई एम एंड आई विल। विश्व कैंसर दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। बात करते हैं विश्व दलहन दिवस की, यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे, ठीक है। विश्व दलहन दिवस इसको मनाया जाता है 10 फरवरी को, ठीक है, 10 फरवरी। और इसका थीम रहा है 2021 का न्यूट्रिशन सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 10 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दालों जैसे कि सूखी बीन्स दाल, सूखी मटर, छोले के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। बात करते हैं विश्व रेडियो दिवस की। तो विश्व रेडियो दिवस इसको हर साल मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब? 13 फरवरी को। और 2021 का इसका थीम रहा है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। बात करते हैं सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 20 फरवरी को। कब? 20 फरवरी को। और देखिए यहां पर मैंने थीम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, ठीक है। तो हिंदी में है डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान, ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। अब देखिए विश्व सामाजिक न्याय दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इसको मनाया जाता है 21 फरवरी को। और इसका थीम रहा है 2021 का शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको लिख रखे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिख रखा है। अगला देखते हैं विश्व चिंतन दिवस, विश्व चिंतन दिवस यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग डे इसको कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 फरवरी को मनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस। और 2021 का इसका थीम रहा है शांति स्थापना यानी कि पीस बिल्डिंग, ठीक है। देखिए विश्व चिंतन दिवस जिसे मूल रूप से चिंतन दिवस के रूप में जाना जाता है, दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट, गर्ल गाइड्स और अन्य गर्ल ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन करने के सही अर्थ को समझाने के लिए मनाया जाता है। देखिए इम्पोर्टेंट है ये, क्यों है इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, इसे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 27 फरवरी को। कब? 27 फरवरी को। और 2021 का इसका थीम रहा है पावरिंग, पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए याद रखिएगा विश्व राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो इसको पहली बार सन 2020 में मनाया गया था, यानी कि 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 2020 में। और इस साल 2021 में इसको दूसरी बार मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को। और इसका 2021 का थीम है फ्यूचर ऑफ एसटीआई इंपैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस दिन सर सीवी रमन के रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की गई थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। भारत सरकार 1986 में
28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस दोस्तों इसको कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। ठीक है, और इस साल 2021 का शून्य भेदभाव दिवस का थीम रहा है एंड इन इक्वालिटीज। एंड इन इक्वालिटीज, देखिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा हर साल 1 मार्च को विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस सभी के अधिकारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अगला देखते हैं, विश्व सुनवाई दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे। विश्व सुनवाई दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है और इस साल 2021 का इसका थीम रहा हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहैबिलिटेटेड कम्युनिकेट। ठीक है, देखिए हर साल 3 मार्च को दुनिया भर में विश्व सुनवाई दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे बहरापन और सुनने में होने वाली परेशानी को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को दोस्तों मनाया जाता है 4 मार्च को और इस साल 2021 का थीम रहा है सड़क सुरक्षा। क्या रहा है? सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में हम 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मना रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट है इम्पोर्टेंट। 2021 में हम 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मना रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च और इसका थीम रहा सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को और इसका थीम इस साल इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। देखिए जहां पर आपको जिस थीम में COVID-19 वर्ड देखने को मिले तो ध्यान रखिएगा वो शब्द इम्पोर्टेंट है, वो थीम इम्पोर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन COVID-19 वर्ल्ड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को विश्व में दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अगला है आपका विश्व किडनी डे। विश्व किडनी डे अब देखिए याद रखिएगा इसको मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व किडनी डे और इस वर्ष यानी कि 2021 में इसको मनाया गया है 11 मार्च को। कब? 11 मार्च को। और विश्व किडनी दिवस 2021 का थीम रहा लिविंग वेल विथ किडनी डिसीज। लिविंग वेल विथ किडनी डिसीज। अगला है विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, सॉरी अधिकार दिवस है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस इसको मनाया जाता है 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को। और 2021 का इसका थीम रहा है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकार और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और इसका थीम क्या रहा 2021 का? टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। वैश्विक पुनर्वर्तन दिवस, वैश्विक पुनर्वर्तन दिवस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे इसको मनाया जाता है 18 मार्च को। कब? 18 मार्च को। क्यों मनाते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, फिलहाल पहले हम देखेंगे इसका थीम। तो देखिए 2021 का थीम रहा है रिसाइकलिंग हीरोज। रिसाइकलिंग हीरोज, ठीक है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का जिस तेजी से उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वैश्विक पुनर्वर्तन दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है 18 मार्च को। देखिए अगला ये जो फैक्ट है, सॉरी डे है, इंपॉर्टेंट रहता है विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, विश्व गौरैया दिवस इसको मनाया जाता है 20 मार्च को और 2021 का विश्व गौरैया दिवस का थीम है आई लव गौरैया। ठीक है, आई लव गौरैया। देखिए हाउस स्पैरो और अन्य आम पक्षियों को शहरी वातावरण और उनकी आबादी के लिए खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे और डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इसको मनाया जाता है 20 मार्च को। कब? 20 मार्च को। और 2021 में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का थीम रहा है शांत रहें समझदार बने दयालु हो, शांत रहें समझदार बने दयालु हो। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस दुनिया भर में सभी मनुष्यों के लिए एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में प्रसन्नता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस इसे कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 20 मार्च को। कब? 20 मार्च को। और 2021 का इसका थीम रहा है बी प्राउड ऑफ योर माउथ, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। यह अच्छे मुख स्वास्थ्य के लाभ को उजागर करने और रोगों के बारे में जागरूकता बनाए रखने के लिए इसको मनाया जाता है। अगला देखते हैं विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस इसको मनाया जाता है 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। और 2021 का इसका थीम रहा है बी डिसाइड, बी डिसाइड। अगला देख लेते हैं नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इंग्लिश में भी मैंने नीचे लिख रखा है, ठीक है, लंबा है थोड़ा नाम, इसलिए मैंने इसको सीधा लिख दिया, ठीक है। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसको कब मनाया गया? 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को। और 2021 का इसका थीम क्या रहा? इसका थीम था जातिवाद के खिलाफ खड़े युवा, ठीक है, जातिवाद के खिलाफ खड़े युवा। नस्लीय भेदभाव के नकारात्मक परिणामों के बारे में लोगों को याद दिलाने के लिए 21 मार्च को प्रतिवर्ष नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 23 मार्च को, ठीक है। और इसका थीम रहा है 2021 का महासागर हमारी जलवायु और मौसम, यानी कि द ओशन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। देखिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की तिथि के उपलक्ष में हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अर्थ आवर डे, ठीक है, यह है आपका अर्थ आवर डे। ध्यान रखिएगा मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है इसको, और 2021 में इसको मनाया गया है 27 मार्च को, ठीक है, 27 मार्च को। और अर्थ आवर डे 2021 का थीम रहा है पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। देखिए हर साल अर्थ आवर को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और एक बेहतर ग्रह के प्रति प्रतिबद्धता के समर्थन के लिए मार्च महीने के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में इसको मनाया जाता है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, कब मनाते हैं इसको? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है इसको, ठीक है। 2021 का इसका थीम रहा है द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। देखिए इसका आयोजन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन जिसका नाम है इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल द्वारा पढ़ने के प्रति प्यार को प्रेरित और बच्चों की पुस्तक पर ध्यान देने के लिए इसको मनाया जाता है 2 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस इंपॉर्टेंट रहता है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। और इस साल 2021 का इसका थीम रहा सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं और 2021 में इसका थीम रहा सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसको WHO के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? एग्जाम में पूछ लेता है, WHO के द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए विश्व हीमोफीलिया दिवस ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं और इसका 2021 का थीम रहा है परिवर्तन के अनुकूल एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल, ठीक है, परिवर्तन के अनुकूल एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल, एडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन ए न्यू वर्ल्ड। देखिए विश्व हीमोफीलिया दिवस यह दिन हीमोफीलिया और अन्य रक्त
स्त्राव विकारों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस, देखिए विश्व धरोहर दिवस कह लीजिए या फिर आप इसको बोल सकते हैं विश्व विरासत दिवस, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, इसको मनाते हैं 18 अप्रैल को, इंपॉर्टेंट रहता है ध्यान रखिएगा। और 2021 का इसका थीम रहा कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, ठीक है। देखिए यह दिवस हमारे आसपास दिखाई देने वाली सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे, इसको अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को, कब 22 अप्रैल को, और 2021 का इसका थीम रहा है रीस्टोर अवर अर्थ। क्या रहा, रीस्टोर अवर अर्थ। देखिए हर साल 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर इसको मनाते हैं, पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व पशु चिकित्सा दिवस, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, तो देखिए दोस्तों अप्रैल महीने के चौथे शनिवार को इसे मनाया जाता है और 2021 में इसको मनाया गया है 24 अप्रैल को, और इसका थीम रहा कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को, कब 29 अप्रैल को, और इसका थीम रहा नृत्य का उद्देश्य यानी कि पर्पस ऑफ डांस, ठीक है। थीम क्या है, नृत्य का उद्देश्य, और इंग्लिश में है पर्पस ऑफ डांस। इंपॉर्टेंट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, कब मनाते हैं इसको 3 मई को मनाया जाता है, और इसका 2021 का थीम रहा इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, इसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि भी देता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वे कई बार दुनिया के अलग अलग कोनों में खबर जनता के सामने लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस ये मनाया जाता है मई के पहले मंगलवार को, और 2021 में इसको मनाया गया 4 मई 2021 को, ठीक है। मई के पहले मंगलवार को मनाते हैं विश्व अस्थमा दिवस, और इसे मनाया गया 2021 में 4 मई 2021 को, और इसका थीम रहा अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना, ठीक है, अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। अगला देखते हैं विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस ये मनाया गया है 5 मई को, ध्यान रखिएगा कोविड-19 के कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहां से कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं या फिर इसका थीम क्या है, तो ठीक है 5 मई को मनाते हैं विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, और इस साल 2021 का थीम रहा सेकेंड्स सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स, ठीक है, सेकेंड्स सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व भर में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गंभीर संक्रमण को दूर करने में हाथ की स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स, ठीक है। देखिए बहुत से दिवस तो ऐसे होते हैं जिनको हम रट लेते हैं कि भाई इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स, अब इसका मतलब क्या है, किस लिए मनाया जाता है, ये नहीं पता है तो आपको ये डेट भी याद नहीं होगी और ना ही थीम याद रहेगा इसका, ठीक है। तो मैं आपको हर डे पर बता रहा हूं कि इसको क्यों मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा और याद भी कीजिएगा, हर दिवस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं क्यों मनाते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स ये मनाया जाता है 5 मई को, ठीक है, और इसका 2021 का थीम रहा है फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स, ठीक है। देखिए अब क्यों मनाते हैं, तो यह दिन मिडवाइफ्स के काम को समर्पित है और माताओं एवं उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये मनाया जाता है आपका 12 मई को, कब 12 मई को मनाया जाता है, और इसका 2021 का थीम रहा है दोस्तों नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। क्या रहा, नर्स ए वॉइस टू लीड
ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अब देखिए कुछ दिवस तो ऐसे हैं जहां आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई नर्स दिवस क्यों मनाते हैं, लेकिन कुछ शब्द कुछ डे ऐसे हैं जहां पर आपको जानना जरूरी है कि क्यों मनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि पर्यावरण दिवस है, यहाँ किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इसको मनाया जाता है 15 मई को। कब? 15 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और 2021 का इसका थीम रहा परिवार और नई तकनीक, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। परिवार और नई तकनीक, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। देखिए याद रखिएगा दोस्तों, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। यह दिन परिवार से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ाने और परिवार को प्रभावित करने वाली सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं के ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं विश्व दूरसंचार और सूचना सामाजिक दिवस की, ठीक है। तो इसको मनाया जाता है 17 मई को और इसका थीम रहा 2021 का चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना, ठीक है। एक्सेलरेटिंग डिजिटल, देखिए दो बार लिख दिया है डिजिटल, ठीक है, एक ही बार होना चाहिए, दो बार है इसको, एक बार पढ़िए आप, एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाते हैं? 17 मई को मनाया जाता है इसको, ठीक है। और 2021 का इसका थीम रहा है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापना, इसे नियंत्रित करना, लंबे समय तक जीवित रहना, ठीक है। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, बात है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की, तो ये मनाया जाता है 18 मई को। कब? 18 मई को मनाया जाता है और इसका थीम रहा है 2021 का संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्वलोकन, ठीक है। संग्रहालय का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्वलोकन, पुनर्कल्पना लिखा यहां पर, ठीक है, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना, संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना। विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे कब मनाते हैं इसको? तो ये मनाया जाता है 20 मई को मनाया जाता है और इस साल 2021 में इसका थीम रहा बी एंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, ठीक है। चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है 22 मई को और इसका थीम रहा 2021 का हम समाधान का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में उल्लेखनीय कमी के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 22 मई को इसे मनाता है। विश्व कछुआ दिवस ये मनाया जाता है आपका 23 मई को, ठीक है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं? 23 मई को और 2021 का इसका थीम रहा है टर्टल्स रॉक। क्या रहा? टर्टल्स रॉक। अगला है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 29 मई को। कब मनाते हैं इसको? 29 मई को मनाया जाता है और इसका थीम है दोस्तों 2021 का ओवेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक। क्या? ओवेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, वर्ल्ड नो तंबाकू डे, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को, इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पर्पज से और इसका थीम रहा 2021 का छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध यानी कि कमिट टू क्विट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस इसको मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। कब? 5 जून को, इंपॉर्टेंट रहता है। रेलवे के प्रैक्टिस सेट में तो आपको ये बार बार दिखाई देगा और एग्जाम में भी। तो इसका थीम रहा है 2021 का रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, ठीक है, रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। अगला देखते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाते हैं इसको? तो 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 2021 का इसका थीम रहा
स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित खाना, ठीक है, सेव फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो, ठीक है। अगला देखते हैं विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, कब मनाते हैं इसको, तो ये मनाया जाता है 8 जून को मनाते हैं इसको, कब, 8 जून को, और 2021 में इसका थीम रहा है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, विश्व महासागर दिवस 2021 का ये थीम है, कब मनाते हैं, 8 जून को। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार इसको विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है, इस याद रखिएगा इस डाटा को, कब मनाते हैं, 12 जून को। और 2021 का इसका थीम रहा है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एल्विनिज्म जागरूकता दिवस, कब मनाते हैं, 13 जून को मनाते हैं इसको, 13 जून को। इसका थीम रहा है 2021 का स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। देखिए याद रखिएगा, दुनिया भर में एल्विनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के मानव अधिकारों का जश्न मनाने के लिए 13 जून को इसको मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस इंपॉर्टेंट रहता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, कब मनाते हैं, 14 जून को मनाया जाता है इसको, ठीक है। और 2021 का इसका थीम रहा गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ठीक है। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश रोम है, रोम इटली, ठीक है, रोम इटली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को मनाते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। और इसका थीम रहा 2021 का रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, बी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड, ठीक है। यह दिन मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों। विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं इसको, इसे मनाया जाता है 20 जून को। और इस साल यानी कि 2021 में इसका थीम रहा है टुगेदर बी हील लर्न एंड साइन, टुगेदर बी हील लर्न एंड साइन। दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के लिए 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को उन शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए मनाते हैं जिन्हें उनके घर से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, देखिए दोस्तों ओलंपिक अभी हाल ही में 2021 में संपन्न हुए हैं तो ये डे आपका इम्पोर्टेंट रहेगा इस बार, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को, कब, 23 जून को। और इसका थीम है 23 जून को हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, सक्रिय रहें, स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रांग स्टे एक्टिव विथ द हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, देखिए लंबा है इसलिए मैंने इसको केवल एक पेज पर लिख दिया, ठीक है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसे कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 26 जून को। और इसका 2021 का थीम रहा शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ, क्या है थीम, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ्स। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है, 27 जून को मनाते हैं इसको। और इसका थीम 2021 का क्या है, MSME 2021 एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 की बात करेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इसे कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 29 जून को, कब मनाया जाता है, 29 जून को। और इसका थीम रहा है 2021 का एंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस की, विश्व जनसंख्या दिवस, देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है ये विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं, 11 जुलाई को इसको मनाया जाता है।
और 2021 का इसका थीम रहा है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ठीक है, देखिए विश्व स्तर पर इसको मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती आबादी के प्रभाव और लैंगिक समानता परिवार नियोजन के महत्व को जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व मस्तिष्क दिवस वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाते हैं? 22 जुलाई को मनाया जाता है इसको। विश्व मस्तिष्क दिवस 2021 का थीम रहा है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। किसका थीम है ये विश्व मस्तिष्क दिवस का? कब मनाते हैं? 22 जुलाई को इसको मनाया जाता है। देखिए कई जन जागरूकता कार्यक्रम और शैक्षिक और सोशल मीडिया गतिविधियां मल्टीपल स्क्लेरोसिस को रोकने के लिए आंदोलन को बढ़ावा दे रही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हेपेटाइटिस डे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये कब मनाते हैं? तो इसको मनाया जाता है 28 जुलाई को। कब? 28 जुलाई को इसको मनाया जाता है। और 2021 का इसका थीम है हेपेटाइटिस कांट वेट। कब मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस को? 28 जुलाई को। यह दिन वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो लीवर की सूजन और लीवर कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। वैश्विक बाघ दिवस कह लीजिए या फिर इसको आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, दोनों ही सही है। ग्लोबल टाइगर डे या फिर इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं इसको? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 29 जुलाई को जंगली बिल्लियों को की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संरक्षण के प्रयास को बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। और इसका थीम रहा उनका अस्तित्व हमारे हाथों में। Their survival is in our hand. अगला क्वेश्चन है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाते हैं? तो इसको मनाया जाता है 30 जुलाई को। Victims voices leads the way. ठीक है, ये इसका थीम है। हिंदी में कहेंगे पीड़ितों की आवाजें आगे बढ़ेंगी। कब मनाते हैं इसको? 30 जुलाई को। विश्व स्तनपान सप्ताह, देखिए विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में इसको मनाया जाता है। तो इस बार मनाया गया 1 से 7 अगस्त को इसको मनाया जाता है। और इसका थीम रहा 2021 का स्तनपान की रक्षा करें एक साझा जिम्मेदारी। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व को जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। ठीक है, और इस साल यानी कि 2021 का इसका थीम रहा है कोई छूटे ना स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं है ये, राष्ट्रीय युवा दिवस हम कवर कर चुके हैं। अब बात होती है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो इसको मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब? 12 अगस्त को। और इस वर्ष यानी कि 2021 का इसका थीम रहा है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेटिनरी हेल्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विश्व मानवतावादी दिवस इसे मनाते हैं 19 अगस्त को। और इसका 2021 का थीम है #TheHumanRace। क्या है? #TheHumanRace। देखिए विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों एवं उनकी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई है। विश्व मच्छर दिवस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है विश्व मच्छर दिवस, तो देखिए 20 अगस्त को मनाया गया है। ये राष्ट्रीय मच्छर दिवस नहीं है, यह है विश्व मच्छर दिवस। तो विश्व मच्छर दिवस मनाया गया है 20 अगस्त को। मलेरिया के कारण और इसे कैसे रोका जाए इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। और इस साल यानी कि 2021 का इसका थीम रहा है जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाते हैं इसको? तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। और 2021 का इसका थीम रहा है कोविड-19 महामारी और उससे
परी एक सुरक्षित समावेशी लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। यह इस उष्ण कटिबंधीय फल को बढ़ावा देने और इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को, और 2021 का इसका थीम रहा भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2021 का थीम क्या है? भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। देखिए, यह लोकतंत्र के सिद्धांत को बढ़ावा देने और इसे बनाए रखने में दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करने के महत्व के लिए मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, बात करते हैं विश्व ओजोन दिवस की। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस इसको मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को, और 2021 का इसका थीम रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। ठीक है, ये इसका थीम रहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। देखिए, विश्व ओजोन दिवस ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और इसे संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये मनाया जाता है 17 सितंबर को, और 2021 का इसका थीम रहा सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल, सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। रोगी सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने और लोगों से स्वास्थ्य सेवाओं को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता दिखाने का आग्रह करने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस को। अगला है विश्व बांस दिवस, यानी कि वर्ल्ड बेम्बू डे। विश्व बांस दिवस को मनाते कब है? 18 सितंबर को। कब? 18 सितंबर को, और इसका थीम रहा #बेम्बू प्लांट लगाना है। ठीक है, #plantbamboo, इट इज टाइम टू प्लांट बेम्बू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। अगला देखते हैं विश्व जल निगरानी दिवस, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। विश्व जल निगरानी दिवस इसे मनाया जाता है 18 सितंबर को, और 2021 का इसका थीम रहा है पानी का महत्व। क्या रहा इसका थीम? पानी का महत्व। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। अब ध्यान रखिएगा, सितंबर के तीसरे शनिवार को, और 2021 में से मनाया गया है 18 सितंबर को, और इसका थीम रहा कचरा बिन में रखें समुद्र में नहीं, कीप ट्रेस इन द बिन एंड नॉट इन द ओशियन। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 21 सितंबर को, और 2021 में इसका थीम रहा है एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। ठीक है, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 24 घंटे अहिंसा और संघर्ष विराम के माध्यम से शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित दिन के रूप में घोषित किया है। अगला है विश्व अल्जाइमर डे, वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाते हैं इसको? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 21 सितंबर को। कब मनाते हैं? 21 सितंबर को, और इसका थीम रहा 2021 का मनोभ्रंश को जाने अल्जाइमर को जाने। ठीक है, मनोभ्रंश को जाने अल्जाइमर को जाने। इस दिन का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और से संबंधित मनोभ्रंश के आसपास चलने वाले कलंक के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है इसको? तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को मनाया जाता है, और इस वर्ष 2021 का इसका थीम है हमें मानव अधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं, हम मानव अधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अच्छा, यह दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व फार्मेसिस्ट दिवस, वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। स्वास्थ्य में सुधार में फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है,
और इसका 2021 का थीम रहा फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद। फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद, और इंग्लिश में भी है लिखा है यहाँ पर, फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। अगला है विश्व पर्यटन दिवस, इम्पोर्टेंट रहता है विश्व पर्यटन दिवस, ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर को, और इसका 2021 का थीम रहा समावेशी विकास के लिए पर्यटन। समावेशी विकास के लिए पर्यटन, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। यह दिन, इस दिन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, इसको मनाया जाता है दोस्तों 26 सितंबर को। कब? 26 सितंबर को, और इसका 2021 का थीम रहा है वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदाय के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। ठीक है, चलिए अगला है विश्व नदी दिवस। विश्व नदी दिवस, विश्व नदी दिवस, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको मनाया जाता है सितंबर के चौथे रविवार को। ठीक है, और 2021 में इसको मनाया गया है। कब मनाया गया? 2021 में इसको मनाया गया है 26 सितंबर को। कब मनाया गया? 26 सितंबर को, और इसका 2021 का थीम रहा हमारे समुदाय में जलमार्ग। हमारे समुदाय में जलमार्ग। वर्ल्ड रेबीज डे, यानी कि विश्व रेबीज दिवस, कब मनाया जाता है? तो इसको मनाते हैं 28 सितंबर को। 28 सितंबर को मनाते हैं। मनुष्य और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बीमारी को रोकने तथा रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयास के बारे में जानकारी देने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, और इसका थीम रहा है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। अगला है विश्व हृदय दिवस, यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे। विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? 29 सितंबर को इसको मनाया जाता है, और इसका थीम रहा 2021 का यूज हार्ड टू कनेक्ट। यूज हार्ड हार्ट टू कनेक्ट। देखिए, इस दिवस को क्यों मनाते हैं? तो दोस्तों, लोगों का ध्यान हृदय रोग और संबंधित स्वास्थ्य समुदाय को आकर्षित करने के लिए इसको मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। कब? 30 सितंबर को इसको मनाया जाता है, और 2021 का इसका थीम रहा है अनुवाद में संयुक्त। यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन, यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी फैक्ट और क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।